Good morning students. Students, in the previous lectures we were discussing about the properties of definite integrals. In that sequence, today we will discuss about one more property of definite integral. So let's start. So the property which we will discuss today is integral 0 to a fx dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. So matlab hai ki isko hum इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. अगर इस फॉर्म में इंटीग्रल है तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, प्रूफ इसका इजी है, आप इसको खुद से कर सकते हो. आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू ए माइनस टी पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको ये राइट हैंड साइड के इक्वल मिल जाएगा, या फिर अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करना चाहते हो तो राइट हैंड साइड में ए माइनस x इज इक्वल टू यू पुट कर लो या कोई और वेरिएबल ले लो और सॉल्व करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है. नाउ वी विल सी इट्स एप्लीकेशन, हाउ वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम लोग. तो हमें गिवन क्या है इसमें, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, और a के प्लेस पे क्या है इसमें पाई बाई 4 और इसमें लोअर लिमिट क्या है 0. तो इसी से ये मैच कर रहा है, ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे लिखी है बिल्कुल इसी जैसा ही है हमारा इंटीग्रल है, और एफ एक्स क्या है लॉग 1 प्लस टेन एक्स. तो इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करते हैं यहाँ पे हम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 4 लॉग 1 प्लस टेन, और x क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, a माइनस x से, मतलब पाई बाई 4 माइनस x से रिप्लेस हो जाएगा dx. नाउ यहां पर हम tan x माइनस y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ x माइनस y, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स. ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. तो सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इज 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स. द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स. तो टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 बाई 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स. और अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, लॉग 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स. क्लियर, ये क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू लॉग 2 डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो x इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 माइनस, और ये क्या है हमारा, ये गिवन इंटीग्रल ही है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं I, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं I, और I को ट्रांसफॉर्म कर देंगे लेफ्ट साइड में तो ये क्या हो जाएगा 2i. तो 2i इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू
एक्स में हम पुट कर देंगे अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा ये 5/4 माइनस जीरो, तो वी विल गेट 2y इज इक्वल टू 5/4 log 2, विच इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 5/8 log 2, ये हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो i इज इक्वल टू 5/8 log 2 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गिवन डेफिनेट इंटीग्रल, ये फर्स्ट वाला जो है। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x cos x dx को इंटीग्रेट करना है। तो अगेन हम अब वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a के प्लेस पे यहाँ पे पाई है और लोअर लिमिट जीरो है, तो मतलब उसी फॉर्म का है जो प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, a माइनस x से, मतलब पाई माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू क्या मिल जाएगी, इंटीग्रल जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स टैन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स कॉस एक पाई माइनस एक्स डी एक्स। नाउ जीरो टू पाई टेन पाई माइनस एक्स इज सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो टेन उसमें नेगेटिव होता है, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होता है, तो मिलेगा माइनस सेक एक्स और कॉस एक पाई माइनस एक्स, क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और कॉस एक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कॉसेक एक्स। तो ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू हमको मिल जाएगी इंटीग्रल जीरो टू पाई पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स, और इन द नेक्स्ट स्टेप you will get pi integral 0 to pi tan x upon sec x into cos x dx, integral ko do part mein break kar lenge, minus integral 0 to pi x tan x upon sec x into cos x dx। और ये जो वैल्यू मिली हमको, ये हमारे गिवन इंटीग्रल आई के इक्वल है, ठीक है, तो इसके प्लेस हम आई लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू पाई और इसको हम चेंज कर लेंगे साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्म में, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में पूरा इंटीग्रल ही चेंज कर लेंगे इंटीग्रेंट को, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन, और ये आपका चेंज जाएगा किसमें, वन अपॉन सेक एक्स, क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स इस कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाएगा और वैल्यू आपकी हो जाएगी आई इज इक्वल टू, ये इधर जो आई था आपका, ठीक है, प्लेस पे आई लिखेंगे और ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 2i, तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ वी हैव i इज इक्वल टू 5/2 और इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से आपको इसको सुटेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसके प्लेस पे हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है,
ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने कॉस टू एक्स वाला, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, वहीं से ये वैल्यू आई। और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। इंटीग्रेट करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन टू एक्स अपॉन टू, और क्योंकि टू पहले से है तो ये फोर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने जीरो टू पाई, ठीक है, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। अपर लिमिट पुट किया इसमें पाई बाई टू माइनस साइन टू इंटू पाई बाई टू अपॉन फोर, माइनस जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस साइन टू इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो। तो नाउ वी हैव पाई बाई टू इंटू पाई बाई टू, और साइन टू इंटू पाई बाई टू क्या हो जाएगा, साइन पाई जीरो होता है, तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो नाउ वी हैव पाई स्क्वायर अपॉन फोर, तो आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन फोर इज द फाइनल वैल्यू। तो इस तरीके से हम किसी भी इंटीग्रल को जो कि इस फॉर्म में होगा, इस प्रॉपर्टी को यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी property that we have discussed today. So solve these questions. Thank you.